एस क्रिएशंस, आज हम दिखाएंगे एक लड्डू की रेसिपी जो बहुत ही टेस्टी ही नहीं बल्कि सेहत से भरपूर होते हैं। ये लड्डू खासकर सर्दियों के मौसम में बनाए जाते हैं और खाए जाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं हम आटे के लड्डू बनाने की रेसिपी। ये बहुत ही आसान और कम इंग्रेडिएंट्स में बनने वाली रेसिपी है। गेहूं के आटे के लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक ही बाउल के मेजरमेंट से लिया हुआ है। आप उसी तरह से एक बाउल या जो भी कटोरी आप यूज करेंगे उसके हिसाब से मेजरमेंट ले लेना। यहाँ पे मैंने गेहूं का आटा लिया है दो बाउल, सवा बाउल मैंने यहाँ पे पिसी हुई शक्कर ली है, ये एक बाउल मैंने घी लिया हुआ है। मैंने यहाँ पे घर का घी यूज किया है, आप चाहे तो डालडा भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने गोंद लिया है 1 टीस्पून, इलायची पाउडर 1 टीस्पून, काजू के टुकड़े 10 और बादाम के टुकड़े 10। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक पैन ले लूंगी और गरम करने के लिए रखूंगी और उसमें मैं ड्राई रोस्ट कर लूंगी हमारे ड्राई फ्रूट्स को। मैं इसका पाउडर बनाने वाली हूँ, आप चाहे तो उसके छोटे छोटे टुकड़े भी कर सकते हैं, आप चाहे तो इसमें दूसरे भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे सिर्फ बादाम और काजू यूज किया है। इसे मैं निकाल लूंगी अभी। यहाँ पे मैं 1 स्पून जितना घी डालूंगी उसे मेल्ट होने के बाद। इसमें मैं गोंद डालने वाली हूँ, इसे मैं इसमें डाल दूंगी ताकि वो पॉप अप हो जाए और इसे मैं हल्का सा रोस्ट करके निकाल लूंगी। इस तरह से ये हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे मैं सारा घी लेने वाली हूँ, इसे मेल्ट करने के लिए रखूंगी। ये रेसिपी बहुत ही आसान है और हमारे पास इसके सारे इंग्रेडिएंट्स इजीली घर में अवेलेबल रहते हैं, तो आप इजीली इसको कभी भी बिल्कुल 20 मिनट लगेंगे आपको ये रेसिपी बनाने के लिए। जो है वो सिर्फ आटा जब हम लोग भून लेंगे और उसको जो ठंडा करने के लिए रखेंगे उसी के लिए टाइम लगता है, बाकी बनाने के लिए सिर्फ 20 मिनट लगेंगे। घी पूरी तरह मेल्ट हो चुका है, हमें यहाँ पे गैस बिल्कुल भी लो या मीडियम फ्लेम पे ही रखना है, बिल्कुल भी तेज़ नहीं करना है, नहीं तो हमारा जो आटा है वो जल सकता है। तो यहाँ पे मैं जो हम लोगों ने दो बाउल आटा लिया है वो मैं इसमें डाल दूंगी और उसे अच्छे से भून लूंगी, अच्छे से उसको मिक्स कर ले। अभी इसे अच्छी तरह से सेकना है ब्राउन होने तक। जब तक हमारा यहाँ पे ये गेहूं का आटा रोस्ट होता है तब तक मैं ड्राई फ्रूट्स को पीस लूंगी। ये करीबन हमें 10 मिनट के लिए इस तरह से उसको रोस्ट करना पड़ेगा, उसको चलाते रहे नहीं तो ये जल जाएगा। इस तरह से ये कलर बदल गया है इसका, उसकी अच्छी खुशबू भी आ रही है। अब आप यहाँ पे गैस बंद कर ले और इसमें ऐड कर देंगे हम लोग ड्राई फ्रूट का पाउडर और इलायची, इलायची का भी पाउडर यहाँ पे मैंने डाल दिया है, उसे अच्छे से मिला ले। आटे के लड्डू बहुत ही पौष्टिक है, आप इसमें चाहे तो सूंठ पाउडर भी डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पे नहीं डाला है लेकिन आप डाल सकते हो, बिल्कुल 1 टीस्पून जितना काफ़ी हो जाएगा। और इसका हम लोग को बहुत ही फायदा होता है, जैसे अगर बुजुर्गों को हड्डियों में या जोड़ों में दर्द रहता है या पाचन शक्ति में कुछ प्रॉब्लम है तो उसमें मदद कर सकता है।
पेट संबंधी परेशानियां भी इसमें दूर हो जाती हैं। अगर आप इसे रात में एक लड्डू रात में दूध के साथ लेंगे तो आपको बहुत एनर्जी भी मिलेगी और आपका पेट भी साफ हो जाएगा। तो ये बहुत ही पौष्टिक लड्डू है। बच्चे को अगर एक लड्डू दे देंगे तो उसका पेट भी भर जाएगा। तो आप ज़रूर इसे ट्राई करें एक बार घर में। बहुत ही आसान और सबसे कम सामग्री लगने वाली यह रेसिपी है। अब इसे बिल्कुल हमें ठंडा होने के लिए रखना है। जब थोड़ा सा गर्म रहेगा तब हम इसमें शक्कर ऐड करेंगे, तब तक इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये भुना हुआ जो आटा है हम लोगों ने भून के रखा था, अब वो थोड़ा ठंडा हो चुका है। जब वो थोड़ा गर्म रहेगा, बिल्कुल थोड़ा लाइट वार्म रहेगा, तभी हम लोग उसमें ऐड कर देंगे शक्कर। जो पीसी हुई शक्कर मैंने ली थी, यहाँ पे मैंने 1.25 कप शक्कर ली है। और उसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। मैंने यहाँ पे गोंद भी डाल दिया है, उसे अच्छे से मिला लूंगी मैं। इस तरह से ये पूरा मिक्स हो गया है अच्छे तरह से। और अब हम इसके लड्डू बना लेंगे छोटे छोटे। आप चाहिए तो जो साइज आप चाहे उस तरह से आप उसके लड्डू बना सकते हैं। यहाँ पे आप किशमिश भी लगा सकते हैं। ये अगर बाइंड अच्छी तरह हो गया तो समझ लेना है कि आपके लड्डू परफेक्ट हो गए हैं। देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से ये आटे के लड्डू की रेसिपी जो हम लोगों ने पारंपरिक स्टाइल से बनाई है, बहुत ही पौष्टिक है, ये तैयार हो चुका है। इसमें बहुत सारा घी है, ड्राई फ्रूट्स है, गोंद है, जिसकी वजह से ये बहुत ही पौष्टिक हो गई है और आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। आपको अगर ये रेसिपी पसंद आई हो तो आपकी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे इस रेसिपी को लाइक करें। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो stay healthy, stay safe, and enjoy eating. Thank you.